Hello kids, this is your mentor Neetu. We are doing Cyber Creators Computer Book Class 4 by Brain Root. Today we are doing Chapter 6, Introduction to the Internet. So let's start. So before we begin this chapter, I'm telling you about in this chapter what we are doing. Hame kya karna hai is chapter mein? What is Internet? Use of Internet? History of Internet, Internet terms, browsing the Internet, search engines, safety on the Internet. Nowadays, Internet is very, very important for our life. And in this chapter, we will learn about Internet. Internet is very important in our life. So, इस चैप्टर में हमें सारा पता चलेगा कि इंटरनेट होता क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके यूजेस क्या हैं, हम उसको कैसे असेस कर सकते हैं. सो बिफोर वी बिगिन दिस, लिस्ट एनी थ्री मोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू यूज वाइल सर्चिंग फॉर अ स्पेसिफिक टॉपिक. अगर आपने किसी टॉपिक के लिए सर्च करना है तो आप क्या यूज़ करेंगे? फर्स्ट, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए. उसके लिए आप गूगल पे जा सकते हैं, आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, और आप कई मोड्स हैं इंटरनेट के, यू कैन यूज इट, राइट? सो द नेक्स्ट इज वी कनेक्ट टू और मोर कंप्यूटर्स विद ईच अदर टू बिल्ड अ नेटवर्क. दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क. जब हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? एक कंप्यूटर नेटवर्क. इट इज सिंपली अ कनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन. इसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं. लेट अस लर्न अबाउट इंटरनेट इन दिस चैप्टर. व्हाट इज इंटरनेट? The term internet stands for international network, जो all over the world, not in our country, जो पूरी दुनिया की बात करते हैं, that is means connection within the world. Okay, so that is international network. Internet is the biggest network of computers in the world. सबसे बड़ा network है ये. Internet is a combined collection of many interconnected computer networks around the world. It connects millions of computers across the globe by cables, telephone wires or wireless media of communication. A network is created to share information and facilitates communication. Network हमने बनाया किस लिए है? ताकि हम अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें, आपस में कम्युनिकेट कर सकें, राइट? सो यूजिंग दीज कंप्यूटर्स पीपल कैन शेयर एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन. अ कनेक्शन टू द इंटरनेट इज नीडेड टू असेस द इंटरनेट. इंटरनेट चलाने के लिए हमारे पास कनेक्शन होना चाहिए. ओके, सो यू कैन सी दिस पिक्चर, लाइक हियर दे हैव शोन अस सो मेनी कंप्यूटर्स, फोन्स आर कनेक्टेड. सो It is like a network, right? So now the next is uses of the internet. हम कहाँ कहाँ पे इसको use कर सकते हैं? People use internet for various purposes. Let us discuss some use of the internet. Searching information. A search engine helps to assess the desired information from the internet. It makes searching an easy task. एक जो search engine है उसकी हेल्प से हम इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ कम्युनिकेशन. इंटरनेट इज द बेस्ट मीडियम टू कम्युनिकेट विद पीपल लिविंग एट फार ऑफ प्लेसेस. जो लोग हमसे, हमारे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो हमसे दूर रहते हैं, हम उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. इट प्रोवाइड सर्विसेज लाइक ईमेल, चैट प्रोग्राम, इंस्टेंट मैसेजिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. Now online reservation. Internet can be used to book air, railway, bus tickets sitting at home. आजकल हमें कहीं travel करना है, by bus जाना है या by car भी जाना है, like there are so many apps, और by train जाना है या by air जाना है, तो हम घर बैठे ही वो tickets book कर सकते हैं with the help of internet. Now electronic banking. E-banking is also called online banking. It allows customers to conduct financial transactions on a secure website. Using e-banking
any inquiry or transaction can be processed online without visiting the bank. हमने कोई मनी ट्रांसफर करनी है लाइक गूगल पे है पेटीएम है तो हम घर बैठे ही अपना ये वर्क कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. नाउ ऑनलाइन एजुकेशन, इंटरनेट इज अ ग्रेट टूल फॉर एजुकेशन. ऑनलाइन एजुकेशन ऑल्सो कॉल्ड ई लर्निंग रेफर्स टू टीचिंग और लर्निंग दैट टेक्स प्लेस यूजिंग अ कंप्यूटर एंड एन इंटरनेट connection. It allows learning at your own place by providing access to learning material anytime. कोई भी टॉपिक आपने लर्न करना है, कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम आपने सॉल्व करनी है, आप अपने घर बैठे ही अपने इंटरनेट की हेल्प से एजुकेशन पे आप जाकर अपना ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं. जो भी आपको पॉइंट टॉपिक सर्च करना है यू कैन डू एट होम एट योर प्लेस ओके विदाउट एनी प्रॉब्लम. Now the next is electronic commerce, e-commerce. E-commerce refers to buying and selling of various products online. It is available 24/7. Means आपने देखा होगा Amazon है, Myntra है, Flipkart है. आपने कोई भी shopping करनी है आप घर बैठे अपनी shopping कर सकते हैं. तो this is said to be e-commerce, means electronic commerce. And electronic message means email. Email, an email is an electronic message sent from one computer to another that can contain text, pictures and sound. Email is the fastest and cheapest means of communication. Most of the service providers offer email account for free of cost. They charge money only if you want to use more space for mailbox. You need to register. Choose an email ID and create a password to access email service. Following are the websites that offer email service: www.gmail.com, www.outlook.com, www.yahoomail.com and www.redifmail.com. Email होता क्या, जैसे मैसेज पुराने टाइम में जब कंप्यूटर्स नहीं थे तो लेटर्स होते थे, पोस्ट ऑफिस होते हैं आज भी हैं, तो हम लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेट करते थे. अब ईमेल क्या है, इसमें हम कंप्यूटर्स के थ्रू या फ़ोन के थ्रू अपना मेल सेंड कर सकते हैं. आपके फ़ोन में आपके कंप्यूटर में एक मेल बॉक्स होता है जिसमें मेल्स आती हैं यानी मैसेजेस आते हैं. तो उससे पहले आपका अकाउंट होना चाहिए, राइट? तो अकाउंट आप कैसे बनाएंगे अपना, यू नीड टू रजिस्टर. चूज़ एन ईमेल आईडी, एक ईमेल आईडी चूज़ करनी पड़ेगी. वहाँ पे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, नेम एंड ऑल द थिंग्स, एंड क्रिएट अ पासवर्ड. और एक पासवर्ड होगा जो ईमेल सर्विस को असेस करेगा, यानी वो आप ही असेस कर सकते हैं, कोई और असेस नहीं कर सकता. सो दीज आर द वेबसाइट्स, कुछ वेबसाइट्स हैं जो ईमेल सर्विस प्रोवाइड करती हैं, राइट? सो नाउ one extra byte is given over here. Email messages usually reach in a few seconds as they are transmitted electronically. इनको भेजने में, send करने में कुछ seconds ही लगते हैं. Now, advantage of email. इसके क्या advantage हैं? क्या फायदे हैं? Some benefits of email are listed below. Some benefits like fast messages are sent anywhere around the world instantly. आप within few seconds अपना मैसेज कहीं पर भी सेंड कर सकते हैं. चीप ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, कॉस्ट नथिंग, ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, चीप है. सिंपल, इट इज़ ईजी टू यूज़. इनिशियली यू नीड टू रजिस्टर टू एनी ऑफ द ईमेल सर्विसेज, बट आपको पहले अपना ईमेल आईडी बनाना है, उसके बाद देर इज़ नो प्रॉब्लम. आप कहीं पर भी मैसेज सेंड कर सकते हैं, कहीं से भी आपके पास मैसेजेस आ सकते हैं. Now, efficient, an email can be sent to an individual person or a group of people at the same time. So it is very efficient, काफ़ी efficient है. एक ही time पर पूरे group में message जा सकता है. Okay, so this is very interesting. So now the next is versatile. Messages are sent using email that may contain text, pictures, audio or video. Versatile है means इसमें सब कुछ ही है, audio भी है, video भी है, text भी है, pictures भी है, right? So
हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट आया कहाँ से. द इंटरनेट वॉज इनिशली नोन एज ARPANET, means Advanced Research Projects Agency Network. ARPANET, Advanced Research Projects Agency Network. It was implemented by the DOD, means Department of Defense of the USA. America ka jo DOD tha, Department of Defense, unhone isko implement kiya. The idea behind designing such network was to share and exchange information and perform research and analysis in the field of defense. Defense ke field mein bhi aapko pata hai ki hume communicate karna padta hai. There are so many information we need. So, uske liye ye idea aaya ki ye aisa ek network banaya jaye ki hum aapas mein easily within few seconds communicate कर सकें. सो लेटर ARPANET वॉज ओपन फॉर एजुकेशनल फील्ड ऑल्सो. उसके बाद इसको एजुकेशन के लिए भी खोल दिया गया. इट वॉज अ बिग सक्सेस. सब्सिक्वेंटली इट वॉज मेड अवेलेबल कमर्शली टू द पीपल एंड हैज टेकन द शेप ऑफ द प्रेजेंट डे इंटरनेट. फिर धीरे धीरे इसको सारे फील्ड्स में लेते गए, कमर्शली भी लेते आए, हर एक फील्ड में, लाइफ के हर एक फील्ड में इसकी हमें ज़रूरत पड़ी और उन्होंने इसको प्रोवाइड भी किया. सो इट बिकम्स द इंटरनेट. नाउ इंटरनेट टर्म्स, लेट अस लर्न अबाउट सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द इंटरनेट. नाउ ISP, ISP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है दैट इज ISP. एंड ISP इज अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स इंटरनेट एक्सेस टू द यूजर. We assess the ISP over telephone line and ISP connects you to the internet. ISP की help से हम internet से connect हो जाते हैं. So some popular ISP are Jio, Airtel, BSNL, like Bharat Sanchar Nigam Limited, right? So now www stands for World Wide Web. जो पूरे वर्ल्ड में एक वेब, एक जाल सा बिछा हो. सो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड पेजेस दैट कंटेन टेक्स्ट, पिक्चर्स, ऑडियोज एंड वीडियोज. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड पेजेस दैट कंटेन, उसमें सब कुछ ही है, टेक्स्ट है, पिक्चर्स है, ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं. इट इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड पेजेस हैविंग अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन विच कैन बी असेस्ड through internet by people across the globe. इसमें बहुत सारे pages हैं जिससे आपको information मिलेगी. जो भी आपने information find out करनी है regarding education, regarding tourism, कुछ भी आपने find out करना है, so आप इन pages को assess कर सकते हैं. You will find the information. Okay, so shareable information on the internet is called the World Wide Web. राइट, जो इन्फॉर्मेशन फैली हुई है दैट इज द वर्ल्ड वाइड वेब, www. सो वर्ल्ड वाइड वेब इज पॉपुलरली नोन एज द वेब और W3. टू असेस द वेब पेजेस यू नीड वेब ब्राउजर्स. उसके लिए हमें वेब ब्राउजर्स चाहिए. द वन इज एक्स्ट्रा बाय. द वर्ल्ड वाइड वेब वॉज इन्वेंटेड इन 1989 बाय सर टिम बर्नर्स-ली. 1989 में इसका इन्वेंशन हुआ था, सर टिम बर्नर्स ली ने किया था, राइट. सो द नेक्स्ट इज वेब ब्राउजर. इंफॉर्मेशन ऑन अ वेबसाइट इज असेस्ड बाय यूजिंग द इंटरनेट एप्लीकेशन कॉल्ड द ब्राउजर. अ वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर दैट लेट्स यू असेस द पेजेस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब. वेब ब्राउजर की हेल्प से ही हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं. सम पॉपुलर ब्राउजर्स आर माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा एंड एप्पल सफारी. दीज आर द वेब ब्राउजर्स. दीज आर द सॉफ्टवेयर टू असेस द इंफॉर्मेशन थ्रू www मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब. ओके, सो द नेक्स्ट इज वेब पेज. The individual pages that collectively form the World Wide Web are known as web pages. जैसे हमारी book में pages होते हैं,
ऐसे ही जो WWW वर्ल्ड वाइड वेब में जो हर एक पेज है, हर एक इंफॉर्मेशन है, दैट इज द वेब पेज. दीज पेजेस कंटेन टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोज, ऑडियोज एंड लिंक्स टू अदर पेजेस. अ वेब पेज इज क्रिएटेड यूजिंग अ लैंग्वेज कॉल्ड HTML. हम ये लैंग्वेज यूज करते हैं इसमें, जिसके फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. नाउ हाइपर लिंक्स. द लिंक दैट कनेक्ट्स वन पेज टू अनदर इज नोन एज अ हाइपर लिंक. जो पेजेस, वेब पेजेस आपस में कनेक्टेड होंगे, वो किसी के थ्रू कनेक्ट होंगे, एक लिंक के थ्रू कनेक्ट होंगे, उस लिंक को हम क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक. Thus, a hyperlink allows you to move to some other web pages with related information. When the mouse pointer is moved over a hyperlinked image or text, the pointer changes to a hand symbol. Clicking on the hyperlink takes you to a different page. Hyperlink की help से आप different page को join कर सकते हैं. Now, website. Website is a collection of one or more related web pages linked together. The location where the information is available on the web is called a website. जहाँ पे information available होगी, उसको हम बोलेंगे website. Now, URL. URL stands for Uniform Resource Locator. Uniform Resource Locator. Every website or web page has a unique address. हर एक वेबसाइट का या वेब पेज का एक अपना एड्रेस होगा. जैसे हमारा होम एड्रेस होता है, स्कूल एड्रेस होता है, ऐसे ही वेबसाइट और वेब पेज का एक एड्रेस होता है. द एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट और अ वेब पेज इज नोन एज द URL. Means Uniform Resource Locator. Okay, so all the addresses start with either HTTP or HTTPS, like hypertext link se, where S stands for secure. जहाँ पे भी S आएगा means that is safe, for security. So where S stands for secure, you would find such an address on bank websites in which money is involved. जो बैंक की वेबसाइट्स हैं वहाँ पे आपको ये दिखाई देगा HTTPS, means it is secure. Okay? Now some of the URLs are, the first one is, देखो ये सिंबल है HTTP:// then www.kids.discovery.com. The next is http://www.nationalgeographic.com. The next is http://www.history.com. So like this, there are so many URL. So extra byte, never leave a space in between the words letters while typing the URL of a website. आप जब भी किसी वेबसाइट या वेब पेज का एड्रेस टाइप करेंगे, उसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए. आप देख सकते हैं, देयर इज नो स्पेस बिटवीन द लेटर्स एंड द वर्ड्स. नाउ होम पेज. द होम पेज इज द ओपनिंग पेज और द मेन पेज ऑफ अ वेबसाइट विच इज डिस्प्लेड व्हेन द एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट इज टाइप. जब हम टाइप कर देंगे एड्रेस, तो एक जो पेज आ जाएगा ओपनिंग पेज, दैट इज द होम पेज. द होम पेज ऑफ अ वेबसाइट कैन बी चेंज्ड और अपडेटेड ओनली बाय द ओनर ऑफ द वेबसाइट. ओके, नाउ लेट अस डू ड्रॉ एंड कलर द पिक्चर ऑफ आइकन ऑफ एनी वेब ब्राउजर इन द स्पेस गिवन अलोंग साइड. आपको पता है गूगल क्रोम, तो आप कोई भी मोजिला, आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं, उसको कलर कर सकते हैं अच्छे से. नाउ ब्राउजिंग द इंटरनेट. As a web browser is required to assist a web page, we are taking up an example of Internet Explorer called Microsoft Edge here. So let us look at its general feature. हम किसकी बात करेंगे? Microsoft Edge की, और इसके features की हम बात करते हैं. So starting Microsoft Edge. To start Microsoft Edge, follow these steps. क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है. सेलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट एज. फिर हमने क्या करना है, उसमें से सेलेक्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट एज को. ऐसे जब आप स्टार्ट करेंगे, आपके पास जो होम पेज आएगा उसमें लाइक दिस
माइक्रोसॉफ्ट एज, ऐसे भी आ सकता है माइक्रोसॉफ्ट एज, दिस इज द आइकन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एज. जब आप प्रैक्टिकली करेंगे यू विल गेट इट क्लियरली. सो आई होप इट्स क्लियर टू यू, राइट? आपने क्या करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और फिर सिलेक्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट एज. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, द माइक्रोसॉफ्ट एज विंडो ओपन्स. आपके पास क्या आ जाएगी, माइक्रोसॉफ्ट एज विंडो लाइक दिस. सो पार्ट्स ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एज, हम पार्ट्स की बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज के पार्ट्स की बात करते हैं. लेट अस लुक एट सम इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज. सो यू कैन सी हेयर, लाइक हेयर टू बटन्स गिवन, एक एरो बैकवर्ड है एक एरो फॉरवर्ड है. तो बैकवर्ड इज फॉर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड एरो मीन्स फॉरवर्ड, राइट? द नेक्स्ट बटन इज फॉर रिफ्रेश, द नेक्स्ट इज फॉर होम, राइट? एंड दिस इज हेयर जो सर्च और एड्रेस बार, सर्च बार है, यहाँ पे आप कुछ भी सर्च टाइप कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं. और यहाँ पे एक स्टार गिवन है, स्टार मीन्स फेवरेट. ओके, जैसे हम अपने फोन में भी फेवरेट लिस्ट डाल देते हैं, ऐसे हम अपने कंप्यूटर पे भी जो हमें अच्छा लगता है, फेवरेट है हमारा, उसकी हम एक लिस्ट बना सकते हैं. फाइन, सो लाइक दिस यू विल गेट इट. वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, टू बटन दे आर शोइंग, वन इज बैकवर्ड, द नेक्स्ट इज फॉरवर्ड, एंड देन वन इज रिफ्रेश, एंड द नेक्स्ट इज होम, होम बटन. और यहाँ पे क्या है, आपका एड्रेस बार है, यहाँ पे कुछ भी आपने सर्च करना है आप उसको टाइप कर सकते हैं. एंड दिस स्टार इज शोइंग फेवरेट, लाइक ओके. एड्रेस बार, द यू आर एल ऑफ द वेबसाइट इज एंटर्ड इन द एड्रेस बार. आफ्टर एंटरिंग द यू आर एल प्रेस द एंटर की. हमें जो भी वेबसाइट ओपन करनी है उसका हम एड्रेस टाइप करेंगे और फिर हम एंटर की को प्रेस कर देंगे. बैक बटन, द बैक बटन टेक्स यू टू द वेब पेज विच यू वर व्यूइंग बिफोर कमिंग टू द प्रेजेंट पेज. आपको प्रीवियस पेज पे ले जाएगा. एंड फॉरवर्ड बटन, द फॉरवर्ड बटन हैज द अपोजिट फंक्शन ऑफ द बैक बटन. इट टेक्स यू फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वेब पेज विद इन द सीक्वेंस ऑफ पेजेस दैट यू हैव ऑलरेडी असेस्ड. आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे. Now refresh button, the refresh button is used to reload a web page. कई बार हम open करते हैं कोई पेज तो वो open नहीं होता, तो हम उसको दोबारा से click करने के लिए what you can do, आप refresh button use कर सकते हैं कि maybe any problem, तो वो दोबारा से assess हो जाएगा. It can be used when the page has not displayed properly or to check and see if any changes have been made to a page since the last visit. Okay? हमने कुछ check करना है, उसमें कुछ changes हुए हैं या वही है, same है, whatever you want to do, तो उसको हम refresh कर सकते हैं. Now favorite button, the favorite button is used to save the URL that you like and may want to visit later. हम favorite में अपना जो भी हमारे पसंद के URL हैं उसको हम सेव कर सकते हैं और बाद में उसको हम यूज़ कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू मेक एनी URL फेवरेट, फॉलो दी स्टेप्स. आपने करना कैसे है उसको, द फर्स्ट स्टेप, क्लिक ऑन द फेवरेट बटन. आई शोड यू फेवरेट बटन, उस पर आपने क्लिक करना है. देन द नेक्स्ट, क्लिक ऑन द एड दिस पेज टू फेवरेट बटन. वहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगी, उस पर आपको क्लिक करना है. The URL gets added to the list of favorite. You can click on it to access the websites. Okay? So now, like this, they have shown us. यहाँ पे favorite button है. जहाँ पे star I have shown you, तो यहाँ पे favorite आ जाएगा. यहाँ पे आप जो भी आपने type करना है, एक bar आ जाएगी, favorite bar. आप उसमें type कर सकते हैं, जो भी आप save करना चाहते हैं, right? So one extra byte is given over here. Click on the add this page to favorite button on the address bar, as I told you. Now home button, it is used to display the home page of the browser that opens on its own when you open a browser. Okay, jo original jo open page aa jayega, that is the
होम पेज, और उसको हम कैसे यूज करेंगे, बाय यूजिंग होम बटन. ओके, नाउ सर्च इंजन्स, अ वेब सर्च इंजन इज अ वेबसाइट दैट हेल्प्स यू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब. सर्च इंजन अलाउ द यूजर टू एंटर अ कीवर्ड रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन यू रिक्वायर एंड सर्च द वेबसाइट्स कंटेनिंग अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन. हमें कुछ भी सर्च करना है तो उसके रिगार्डिंग, लाइक ऑस्ट्रेलिया ट्रिप, तो हम उसमें टाइप कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया ट्रिप. तो ये सर्च इंजन जो है ये हमारी हेल्प करेगा उस इंफॉर्मेशन को असेस करने में. सो दीज वेबसाइट्स आर पॉपुलरली नोन एज सर्च इंजन्स. द सर्च रिजल्ट्स आर यूजली प्रेजेंटेड एज अ लिस्ट ऑफ लिंक्स. द लिंक्स मे पॉइंट टू टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो फाइल्स. सो सम एग्जाम्पल्स ऑफ सर्च इंजन लाइक गूगल, आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं. इसका क्या एड्रेस है, http://www.google.com. बिंग, http://www.bing.com. ऐसे आपके पास क्या है, अल्टा विस्टा, http://altavista.com. नाउ एक्स्ट्रा बाइट, लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन आर द फाउंडर्स ऑफ गूगल. जिन्होंने गूगल को बनाया कौन थे, लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन, राइट. सो द नेक्स्ट इज टू सर्च एनी इंफॉर्मेशन ऑन द नेट, फॉलो दीज स्टेप्स. द फर्स्ट वन, ओपन द ब्राउजर एंड गो टू द सर्च इंजन वेबसाइट. हमने क्या करना है, ब्राउजर ओपन करना है और सर्च इंजन वेबसाइट पे जाना है. देन जैसे हम गूगल पे गए, देन एंटर द वर्ड पेरिस और सेंटेंस रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन दैट यू वांट टू सर्च फॉर. फिर हमने क्या किया, यहाँ पे सर्च बार में जो भी हमें सर्च करना है हमने टाइप कर दिया. देन क्लिक ऑन द हाइपर लिंक्स दैट द सर्च इंजन शोज एज रिजल्ट. तो आपके पास क्या आ जाएंगे, ये रिजल्ट आ जाएंगे. आपने जो भी आपको ठीक लगता है आप उस पर क्लिक करके यू कैन फाइंड आउट. जैसे ये है तो इस पर क्लिक करना है, देन यू विल गेट द होल इन्फॉर्मेशन. आपने इसको देखना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, यू विल गेट द होल इन्फॉर्मेशन. लाइक दे आर शोइंग अस वन इन्फॉर्मेशन, द ग्लोबल चेंजेस फॉर गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी. तो इन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऐसे आ जाएगी. ओके, सो इट्स वेरी यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग. नाउ सेफ्टी ऑन द इंटरनेट. अब इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन हमें सेफ भी रहना है. कैसे, इंटरनेट इज़ वेरी यूजफुल टूल, हाउएवर एट टाइम्स इट कैन ऑल्सो बी डेंजरस एंड हार्मफुल. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सेफ्टी टिप्स आर एज फॉलो. हमें क्या फॉलो करना है, डू नॉट गिव योर पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक योर एड्रेस, योर पेरेंट्स कॉन्टेक्ट नंबर, नेम, लोकेशन ऑफ योर स्कूल विदाउट योर पेरेंट्स परमिशन ऑन द इंटरनेट. किसी भी स्ट्रेंजर को हमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है. नेक्स्ट इज, इफ यू ज्वाइन अ चैट ग्रुप विद योर पेरेंट्स परमिशन यू शुड नेवर गिव आउट योर पासवर्ड टू एनी वन इन दैट ग्रुप. आपने कोई चैट ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया अपने पेरेंट्स की परमिशन से, बट आपने अपना जो पासवर्ड है किसी से भी शेयर नहीं करना है, क्योंकि आगे वो उसको कहीं भी मिसयूज कर सकते हैं तो वो ब्लेम आप पे आएगा, राइट. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर्स ऑनलाइन, राइट. बिहेव योरसेल्फ, बी पोलाइट, बी हम्बल. डू नॉट सेंड योर पिक्चर ऑन द इंटरनेट विदाउट आस्किंग योर पेरेंट्स. हम फेसबुक पे, इंस्टा पे अपनी फोटोज डालते हैं लेकिन आप छोटे बच्चे हैं, यू हैव टू बी केयरफुल. अपने पेरेंट्स की हेल्प से यू हैव टू डू दिस थिंग. ओके, व्हेन यू कम अक्रॉस इंफॉर्मेशन दैट यू डू नॉट लाइक और इज अपसेटिंग यू, इन्फॉर्म एंड डिस्कस विद योर पेरेंट्स अबाउट द सेम. देखो इंटरनेट पे एवरीथिंग इज अवेलेबल, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है. कुछ चीज़ें जो आपको डिस्टर्ब करती हैं देन डिस्कस विद योर पेरेंट्स. ओके, सो these steps you have to follow, then internet is safe, right. Now computer manner, always use the internet under the guidance of your elders. आपके घर में जो बड़े होंगे उनकी help से ही आपने internet को use करना है.
Then let us rewind. The term internet stands for international network. It is a huge network of computers around the world. ISP stands for internet service provider, and ISP is a company that provides internet access to the users. WWW stands for World Wide Web. It is a collection of interconnected pages that contain text, pictures, audios and videos. The link that connects one page to another is known as a hyperlink. Clicking on the hyperlink takes you to a different page. Website is a collection of one or more related web pages linked together. The location where the information is available on the web is called a website. URL stands for Uniform Resource Locator. The address of a website or a web page is known as the URL. Okay, I hope it's clear to you. It's very interesting. So go through this chapter. Any problem, then you can ask. So now there is one exercise for you. Check yourself. A part, tick the correct option. The first one, Dash is not an ISP. Aap bata sakte hain in charon mein which is not an ISP. Jio bhi hai, Airtel bhi hai, Opera is a browser. So answer is D, right? Second, the Dash is an example of a web browser. Google Chrome, D, right? Because URL to address of website hai. ISP is a company jo internet service provide karti hai, right? The third one, the address of a website or a web page is known as the URL, right? Then the fourth one, the Dash button is used to reload a web page. कोई पेज हमें रीलोड करना है, उसको चेक करना है, so we can use refresh, right? So it's very easy. Now fill up's given over here. B part, the first one, and Dash ISP is a company that provides internet access to the users. तो आप क्या कह सकते हैं इसमें, an internet service provider. The link that connects one page to another, hyperlink. जो लिंक कनेक्ट करता है एक पेज को दूसरे पेज से, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक. A Dash is a software that lets you access the pages on the www, that is a web browser. Web browser क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम असेस करते हैं इंफॉर्मेशन. The next is the Dash is the opening page, यानी the Dash is the opening page or the main page of website, that is the home page. Okay. Similarly, here true false given. You can try on your own. And the D part here, match the following. The first one, shareable information on the internet. Aap dekho isme. Aap kya share kar sakte hain? That is www. वेबसाइट, द एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट और अ वेब पेज. किसी भी वेबसाइट या वेब पेज का एड्रेस क्या होता है, दैट इज URL. अ सॉफ्टवेयर दैट लेट्स यू असेस द पेजेस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब. कौन सा सॉफ्टवेयर असेस करता है, अभी आपको आई टोल्ड यू, दैट इज ए पार्ट, वेब ब्राउजर. यूज टू रीलोड वेब पेज, वेब पेज को रीलोड करना है तो आप क्या करेंगे, रिफ्रेश बटन यूज करेंगे. एंड अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स इंटरनेट असेस, और कंपनी जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है उसको हम क्या बोलते हैं, ISP. ओके, तो आप यहां पे लिख सकते हैं, दिस इज सी, द एड्रेस इज URL, दैट इज ई, अ सॉफ्टवेयर that is web browser means A, and used to reload a web page, that is refresh button. B, and a company that provides internet access, that is ISP. Okay, so it's very easy, you can do. Now we have some questions. Answer the following question. The first one, what is the internet? As I told you, it is the connection of millions of computer network over all the word, so you can write in your language. The second one, define www, that is World Wide Web. It's a website. Okay, it's a collection of web pages connected by hyperlinks.
What is the role of web browser? It is a software that is used to assess the internet on the website and write a short note on search engine, like it's a Google. You can write search engine is used for getting the information on the internet. So I hope it's clear to you. You can try on your own. Any problem, then we can discuss it. So stay connected with us till the next video. Have a nice day. Take care.